أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا सद्लाउम नाजरीन करमकुम वरमि वबरक जैसे कि आप अजीजान जानते हैं कि पिछली नशस्त में इसी आयत के पहले हिस्से को मोरद बहस करार दिया गया था और कुछ अराइज उसके जैल में आप आजाद के सामने बयान किया गया था तो इसी नशस्त के एदामा में मोमिन के सिफात के अनवान से दूसरी सिफत जो इसी आए मुबारक में ज़िक्र हुई है उसको आप अजरत के सामने बयान करना है और ज़रा सी तश्रह अपने इलम के मुताबिक आप के सामने बयान करनी है तो इस आए मुबारक में ममिन की दूसरी सिफत खुदा बंद करीम कुछ यूँ बयान कर रहा है कि वायतुलतम आयात हो ज्यादत हम ईमाना कि जब कुरान की तलावत हो उनके सामने तो उनके ईमान में इजाफा होता है ईमान के इजाफत का जिक्र हुआ है यहाँ पर इजाफ़त या लफ्ज़ ज़्यादती वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर पहले से कुछ मौजूद हो यानी मुकदमतन कुछ चीज़ें होनी चाहिए ता उस चीज़ में इजाफती या कमी व कास्ती पैदा हो यहाँ ईमान के अजाफ़त की बात हो रही है एक छोटे से मिसाल से आप हजरात को इस बहस के करीब लाना चाहता हूँ खुदा न खासा आप हजरात अगर बीमार पड़ जाएँ तो आप हजरात डॉक्टर की तरफ मुराज आ करते हैं अगर डॉक्टर पर आप हजरात का ईमान हो अकीदा हो भरोसा हो तो आप हजरात उसके दिए गए नुस्ख़े और उसके कहे गए राह हल पर चलने की कोशिश करेंगे और नुस्ख़े पर अमल करने की कोशिश करेंगे जो दवा वो देगा जिस तरीक़े से उस दवा को इस्तेमाल करने को कहेगा आप उस तरीक़े को फॉलो करेंगे अब अगर वो अकीदा, वो ईमान उस डॉक्टर पर ना हो तो आपके अंदर वो फॉलो करने की चाहत नहीं जाग पाएगी आप उस मज़बूती अकीदे के साथ उस नुस्ख़े पर अमल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप नुस्खे पर अमल नहीं करेंगे आप अगर दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा तो इसमें ग़लती किसकी है उस डॉक्टर की उस नुस्ख़े की उस दवा की या आपकी जाहिर सी बात है इस सवाल के जवाब को मुझसे बेहतर आप हसरा जानते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ईमान का तस्करा हो रहा है सभी इंसान रूहानी मरस का शिकार हैं और उन्हें एक ऐसे डॉक्टर की एक ऐसे नुस्ख़े की एक ऐसे दवा की ज़रूरत है जो उनकी इस बीमारी का इलाज कर सके तो हमें ढूंढने के बाद इस बीमारी का एक ही डॉक्टर सिर्फ मिलता है वो है ख़ुदा उस डॉक्टर का एक नुस्ख़ा हमारे सामने मौजूद है वो है क़र करीम तो जिस तरीक़े से मिसाल के अंदर जिक्र हुआ कि अगर वो अक़दा और एतकाद डॉक्टर पर ना हो उसके नुस्खे पर ना हो उसके दवा पर ना हो तो आप उस पाबंदी के साथ उस नुस्ख़े पर अमल नहीं करेंगे उस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ भी अगर अकैदा और ईमान ना हो तो आप खुदा के बताए हुए नुस्ख़े पर अमल नहीं करेंगे उसके बताए हुए दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे खुदावंद करीम क़ुरान मजीद में सूरह बकरा की दूसरी आयत में फ़रमाता है जालकिल किताब लफी हूदिलमिन कि इस किताब में कोई शक नहीं है कि हिदायत है किसके लिए मुत्तकीन के लिए, लिए। यहाँ पर खुदाबंद ख़ास कैटेगरी का नाम ले रहा है सारे इंसानों को मुखातब करार नहीं दे रहा है सिर्फ़ मुत्तकीन के लिए क्यों चूँकि इस हिदायत को कैच करने के लिए इस हिदायत को दरियाफ़्त करने के लिए ईमान की ज़रूरत है हर इंसान में वो ईमान नहीं होता इंसान जब तक मकाम तकवा और मक़ाम अमल से नहीं गुज़रेगा उसे वो दर्जा नहीं मिल पाएगा कि वो क़र करीम की तिलावत और मुशाहिदा और मुलाहिजा से हिदायत हासिल कर सके तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान में इजाफत ईजाद करें हम अपने ईमान को पुख्ता करें ताकि कुरान की तलावत करते वक्त या कुरान को मुलाहज़ा और मुशाह करते वक्त हमें अपने अंदर ईमान की इजाफत और ज़्यादती महसूस हो वा वाना अनिल्ह रबालमी